नमस्कार, मैं रविश कुमार। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग क्रिकेट के बेहद शौकीन हैं, मेरी तरह नहीं, मैं कुछ कम हूँ। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि क्रिकेट की तमाम बारीकियों के जानकार होने के नाते आप ये भी जानते होंगे कि ये वो खेल है जिसमें हवा पर भी नज़र रखी जाती है। लेकिन इसी खेल में कुछ ऐसे खिलाड़ी कूद जाएं जो देखने की क्षमता में औरों की तुलना में कुछ कमज़ोर हों, लेकिन कमाल कुछ ऐसा कर दें कि हर कोई प्रधानमंत्री के दफ्तर से लेकर न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर तक फ़ोन करने लगे कि भाई ये कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को हराया है और विश्व कप जीत लिया है। तो आज हम आपके सामने पेश करते हैं हिंदुस्तान के ब्लाइंड क्रिकेटर्स को जिन्होंने अभी साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की टीम को हराया है। स्कोर से लेकर रणनीति तक की जो कहानियां हैं वो इतनी दिलचस्प हैं कि आप अगर ये किस्सा नहीं सुनेंगे तो कम से कम मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद मेरी नज़र पर आप सवाल उठा देंगे। तो मुझे लगा कि प्राइम टाइम में आप इन तमाम हुनरमंद खिलाड़ियों से मिलिए और इनके किस्से कहानियों को जानिए, ये अच्छा रहेगा, ताकि हम क्रिकेट के बारे में जो खुद को घोषित करते हैं कि हम क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, हमें ये पता चल सके कि बहुत कुछ ऐसी भी है इस खेल के बारे में, ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम नहीं देखते हैं। तो इसलिए जो हम नहीं देखते हैं वो हम ठीक से एक बार और देख लें, इसलिए हम तमाम खिलाड़ियों का आप दर्शकों की तरफ से स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पूरी टीम और ब्लाइंड क्रिकेटर्स जो एसोसिएशन है यहाँ पर, महांतेश जी हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है दुनिया भर के ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के भी और हिंदुस्तान में जनरल सेक्रेटरी भी हैं। 1998 से ये क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है, 4 बार हो चुकी है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया जो पाकिस्तान पिछली बार जीता था। शेखर नायक हैं हमारे साथ इसके जो कप्तान हैं, लेकिन बाकी भी खिलाड़ियों के बहुत किस्से दिलचस्प हैं, कोच हैं, मैनेजर हैं, इस पूरे पैनल में बैठे हुए हैं। लंबी चौड़ी टीम है, मैं क्रिकेट के बारे में इतना ही जानता हूं, काफ़ी कुछ पर्चा बनाकर लाया हूं इनके स्कोर के बारे में। तो माफ़ी के साथ शुरुआत करना चाहते हैं शेखर आपसे कि पहले तो बहुत सारे दर्शक ये नहीं समझ पाते हैं कि जो ब्लाइंड क्रिकेट है होता है उसमें देखने की क्या कैटेगरी है, क्या बिल्कुल ही नहीं देखने वाले खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं या उनकी कुछ ग्रेडिंग होती है कि यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक आप देख सकते हैं तो आप इस विश्व कप के खिलाड़ी हो सकते हैं या इस खेल के खिलाड़ी हो सकते हैं। ब्लाइंड क्रिकेट टीम के अंदर 3 कैटेगरीज होते हैं। एक उसको हम B1, B2 और B3 कहा जाता है। अच्छा, जैसे B1 लोग जैसे कुछ भी नहीं दिखता है, 100% ब्लाइंड रहते हैं। हाँ। वो लोग 4 प्लेयर्स खेलेंगे एक टीम में। अच्छा, और हाँ पूरा कुछ उनको थोड़ा भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा। और B2 कैटेगरी 200 कैन सी अप टू 3 मीटर्स। हाँ। वो लोग 3 प्लेयर्स खेलेंगे एक अच्छा, टीम में। हाँ। और जो B3 कैटेगरी बताया मैं कॉल्ड एज ए पार्शली साइटेड, जो वो लोग 4 मेंबर्स खेलेंगे उनको करीब 6 मीटर्स के आसपास दिखाई देगा। तो ऐसा 4-3-4=11 जो ऐसा 11 लोगों की ऐसी टीम बनता है। तो इसमें 2 लोग हो गए हैं कि एक कैटेगरी हो गई जिनको कुछ दिखाई देता है और इनको कुछ दूरी तक दिखाई देता है, और एक कैटेगरी को जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, वो लोग कैसे खेल में हिस्सेदारी करते हैं, क्या बाकी लोग उनकी मदद करते हैं या उनकी भूमिका क्या होती है सीधे मैदान में? मेन यहाँ पे जो मेन गेम का जो ये है। हाँ। जो हम जो आवाज करने वाली बॉल यूज करते हैं। अच्छा। तो जो टोटली ब्लाइंड्स रहेंगे वो लोग वो आवाज के ऊपर ही खेलेंगे। हाँ। और जैसे बैटिंग करते समय उनको जो हेल्प रनर दिया जाएगा। हाँ। और जो बॉलिंग जो कोटा है। हाँ। 100% उसमें से 40% ऑफ द कोटा जो B1 कैटेगरी का बॉलर B1 कैटेगरी वाले बॉलिंग करना पड़ता है। अच्छा। और जैसे अभी बैटिंग में जैसे हमारा जो 3 कैटेगरी बताया उसमें से सर्कल मेंटेन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी जो ओपनिंग B2 और B3 दोनों दिखने वाले ओपनिंग गए, कोई एक आउट हुआ तो जो बचा हुआ कैटेगरी B1 जाना चाहिए, ऐसा जो हम लोग साइकिल मेंटेन करते हैं। और एक अच्छी चीज़ यह है कि हम लोग मेटल का विकेट यूज़ करते हैं। अच्छा। क्योंकि जैसे अभी आप बैट से स्ट्रोक मारने से और अगर बोल्ड हो गया। हाँ। तो दोनों एक ही आवाज़ आएगा, जैसे लकड़ी का विकेट यूज़ करेगा तो। हाँ। जो बैटिंग और बोल्ड हो गया तो दोनों एक ही आवाज़ करेगा, तो उसको हम पहचानने के लिए हम लोग मेटल का विकेट यूज़ करते हैं। अगर बैट से बैट्समैन बैटिंग करेगा तो अलग साउंड आएगा। समझ रहा हूँ आपके जवाब से कि ये खेल कान से खेला जा रहा है ना, जिसमें आवाज़ के बहुत सारे कैटेगरी हैं नज़र के साथ साथ,
कि मेटल का विकेट हो, लेकिन अगर किसी ने छक्का मारा या इधर उधर बाउंड्री के जो नाम होते हैं स्क्वायर कट मार दिया या सीधा लेग में मार दिया, ऑफ में मार दिया, तो फिर उसमें कैसे पता चलता है कि खिलाड़ी को उस तरफ दौड़ना है, कैच लेना है? वही अभी मैं बताया, जो कैटेगरी B2 और B3, जो हम एक्चुअली क्या करते हैं, जो B1 कैटेगरी को 30 यार्ड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा फील्डिंग सेट करते हैं, तो आउटसाइड द सर्कल हम B2 B3 को सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो मेन रोल है कीपर का, जैसे कीपर बैट्समैन बैट करते ही कीपर बोलेगा स्क्वायर लेग, ऑफ साइड, पॉइंट, वो बोलेगा, जो वो प्लेस पे वो फील्डर है वो थोड़ा जागृत हो जाएगा। तो और जैसे बॉलिंग करते समय अभी नॉर्मल जो स्ट्रीम में अगर बॉलर रन अप स्टार्ट लिया तो बैट्समैन टक टक करके बैटिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग जब क्या करते हैं, बैट्समैन आर यू रेडी आर नॉट, हम पूछते हैं। अच्छा, बैट्समैन को रेडी पूछते हैं, वो यस बोलने के बाद हम प्ले करके बॉल करते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात, क्या कभी ऐसा हुआ कि जिसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता और उसने गेंद कैच कर लिया? बहुत बढ़िया, ये है, ये बहुत ऐसा बहुत सारा बार कैच हुए हैं। और यहाँ पे और एक अच्छी चीज़ ये है कि जो B1 कैटेगरी के लिए थोड़ा गेम में ज़्यादा सपोर्ट है। अच्छा, यानी कि अभी जो वन बाउंस कैच उनको अलाउड है, जिसे उन लोगों को जैसे नॉर्म डायरेक्टली वो दे कांट कैच, तो वन बाउंस कैच उनको अलो है। कभी तो हुआ होगा किसी ने डायरेक्टली कैच कर लिया होगा? यस, मेरा ही जो 2006 में हमने वर्ल्ड कप खेला था पाकिस्तान में, जब हम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच चल रहा था, जब मैं बैटिंग कर रहा था, मेरा टोटली ब्लाइंड ने कैच ले लिया था, उसको यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लपक के बैठ गया। कमाल, ऐसा भी हो सकता है। वो मतलब पहली बार ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं, वो कम होता है रे, अभी कोई बहुत रेयर, बहुत रेयर होता है खा के। लेकिन आप जैसे बोलते हैं कि फाइन लेग की तरफ शॉट गया है, तो वो उधर का खिलाड़ी अलर्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा, वो ले लेता है। पर ऐसी जानकारी और देते रहिए ताकि हमारे दर्शक आपके खेल से ज्यादा जुड़े और आप लोगों से भी। ये जो मैच था इसमें दीपक कौन है, दीपक और अजय? दीपक आप हरियाणा के हैं ना, तो दीपक मैं ये जानना चाह रहा था, आप लोगों ने कोई 10 ओवर में 130 रन बना दिए? हाँ, 130 रन। मैं ये स्कोर देख रहा था कि पाकिस्तान ने 389 389 रनों का चैलेंज दिया था आप लोगों को, तो ये आखिरी वक्त में हुआ क्या था, जब पहला विकेट जब आपका 2 रन पर गिर गया था वहाँ पे? तो इसलिए क्या था कि हाँ, इंडिया तो वैसे ही चेस करने में नंबर वन है। अच्छा, तो हमारे पास कौन सा वाला इंडिया, धोनी वाला इंडिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धोनी हमारे, ये भी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ हमारे पास है। अच्छा, हम किसी भी स्कोर को या किसी स्कोर पे भी रोक सकते हैं टीम को। हमारे पास पूरी बॉलिंग भी है, फुल बैटिंग है, हमारे पास पूरा फुल वो है, स्पोर्ट है। तो ऐसा क्या इस बार बदलाव हुआ कि आपको, क्या आप लोग कोई स्ट्रेटेजी, आप दोनों बैट्समैन ने, आपने और अजय ने मिलकर कोई तय की कि अब जीतना है भाई, 10 रन का एवरेज हो और 40 ओवर में 389 रन है, थोड़ा कम है मेरे हिसाब से, लेकिन नहीं, ये देख के तो लगता है कि आप लोग 800 भी बना सकते थे। नहीं, हमारे जो कोच सर थे उनने बोला था कि मरना है जीना है सब यही है, तो वही हमने सोच के कि मरना या जीना है सब यही है, तो कोच सर की बात ध्यान में रखते हुए हमने वो पूरा अपना स्कोर को, मतलब हमने अपना रन रेट लेके चला हमने। अभी किसी ने कहा कि कोच साहब एकदम खेल की जान है, तो कोच साहब आप एक तो अपना नाम भी बताइएगा और क्या ऐसी रणनीति आप लोगों ने बनाई कि जो वो वैसा ही तनाव का क्षण था, मैं समझ सकता हूँ कि तब वो गली मोहल्लों पर लोग नाखून काटते हुए टीवी नहीं देख रहे होंगे, ये मैच हो रहा है, हमारी टीम अब जीतेगी कि नहीं जीतेगी, लेकिन कोई बात नहीं, उसको माफ किया जा सकता है। लेकिन आप लोग वहां पर तो तनाव में होंगे कि इतना बड़ा स्कोर है, इसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या आपकी टीम ने कभी इस स्कोर को कभी छुआ था और इसकी क्या खास रणनीति आपने बनाई कि उस वक्त जब खेल चल रहा था? हमारा टीम का प्लान था कि टॉस जीतने के बाद हम फील्डिंग ले लेंगे। हाँ, क्योंकि हर बार टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान जब इंडिया के साथ खेलता है, हाँ, इंडिया बैटिंग ही लेता है। हाँ, और पाकिस्तान भी जीत लेगा, इंडिया को बैटिंग ही देगा। वही हुआ था लीग मैच में भी। सो हमने बोला कि इस बार हमको उनको शॉक कर देंगे। यदि हम पहले खेलेंगे तो 300-350 रन चेस कर सकते हैं। यदि हम बैटिंग करेंगे तो हम अबाउट 350-430 रन मारना है, तभी हम जीत पाएंगे। सो जब हम टॉस जीत गए थे, 350 था हमारा टारगेट, लेकिन उन लोगों ने 30 रन ज्यादा बन दिया था, 39 रन, 389।
सो आई कॉल्ड मेरा पूरा स्ट्रेटजी हमारा ओपनिंग है प्रकाश ओपनिंग करते इंडिया के लिए ये प्रकाश जो ये प्रकाश है और सब डरते हैं उसको एज अ वेरी स्वास्थ्य बैकलिंग बैट्समैन एंड जैसे हैं नहीं नहीं वो सेवाग मानते हैं सेवाग को मानते हैं बहुत सेवाग जैसे या सो उसने उसने उसका स्टाइल ही मारना है और उसी के तरफ समटाइम्स ही गेट्स आउट आल्सो सो द एंटायर टीम गेट्स पैनिक सो मैंने दीपक को बुलाया था कभी वो ओपनिंग नहीं खेला था अच्छा तो भाई दीपक भाई आई हैव सीन यू सम स्ट्रोक्स वेरी गुड स्ट्रोक्स एंड आई वांट समबडी हु कैन गुड गेट अ गुड स्टार्ट विदाउट लूजिंग द मेन बैट्समैन सो आई कॉल्ड कैप्टन And I called Deepak and said, "You both open the innings today. We'll completely." Oh, Prakash, you have not sent. No, sent, no, sent. Completely strategy ko change kiya tha. Maine Deepak ko bola tha, Deepak, tu bahut baar bol raha tha ki main hero banna hai aur Pakistan ko marna hai. Aaj hi tera chance hai. Arre Deepak ke liye taali to bajao. Maine bola Deepak, your chance for becoming hero of India is today. Kamal. And you do it for us, I said. Isne itna serious le liya. Of course, they controlled him by bowling on the left side. बट इसके बाद तीन ओवर के बाद इतना मारा दे वर कंप्लीटली शॉक्ड मतलब आप प्रकाश को भूल गए हां प्रकाश को भूल गए ही स्टार्टेड डूइंग प्रकाश का काम तो हमारे लिए ये प्रॉफिट था क्योंकि इस विकेट वाज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस बट इसने हमको रन दे दिया ओहो पर दीपक आप हरियाणा में कहां से हैं सोनीपत से सोनीपत से हैं और जब आप क्रिकेट खेलना शुरू किए आप B1 में हैं B2 में हैं या B3 में B3 में मतलब आप 3 फीट से ज्यादा देख सकते हैं है ना उस कैटेगरी में जब आप क्रिकेट खेलना शुरू किए तो घर वालों ने आपको वैसे ही देखा जैसे कोई बहुत अच्छा खेल रहा हो सहवाग नजफगढ़ का नवाब समझ रहे हो उस तरह से देखा हाँ अभी जैसे जब मैंने शुरू में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था हाँ तो काफ़ी घर वालों की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिला था अच्छा और मैं जिस अपना दिल्ली में इंस्टीट्यूट में रहता हूँ इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड उधर से ही मेरे को फुल सपोर्ट मिला था तो फर्स्ट टाइम पे मैंने अपना स्कूल लेवल में स्टार्ट किया था इधर दिल्ली से ही उसके बाद हरियाणा टीम में जगह मिली मेरे को और फिर इधर हमारा इंडिया टीम में मेरे को कभी इस खेल के दौरान आपको लगा कि आपको कोई चीज़ रोक रही है जो आप नहीं खेल सकते हैं बढ़िया ढंग से या इस कमी का होना मतलब आप देख सकते हैं लेकिन और लोगों की तुलना में थोड़ा कम दिखाई देता है कभी आपको लगा कि उसकी वजह से आप खेल में वो मास्टरी नहीं कर पा रहे हैं जो तेंदुलकर के पास है या सहवाग के पास है या द्रविड़ के पास है स्टाइल में शॉट में इन सब चीज़ों में नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लगा मेरे को कि हाँ। पर ब्लाइंड क्रिकेट थोड़ा है नॉर्मल क्रिकेट से बहुत टफ अलग है अच्छा, अलग है टफ बहुत ज़्यादा टफ है अच्छा जितना हमारे क्रिकेट में मेहनत करना पड़ता शायद उन लोगों को इतना नहीं करना पड़ता होगा जैसे एक अंदाजे के लिए अगर बता सकें तो लोग थोड़ा और कल्पना कर सकें क्या टफ है टफ है काफ़ी जैसे हमारा B1 प्लेयर है B1 प्लेयर को पूरा बॉलिंग या फील्डिंग हर चीज़ मतलब सुन के ही करना पड़ता है और बैटिंग में भी B1 का बहुत अहम रोल होता है क्यों उसका एक रन का डबल रन मिलता है तो इसलिए आप अपने साथी खिलाड़ी को B1, B2, B3 से बुलाते हैं या दीपक प्रकाश देख इसको गेंद पकड़ इसको चेस कर नाम से बुलाते हैं आप हाँ नाम से ही उधर फील्ड में आपको सर हिला रहे थे चश्मे में आपको आपके बगल में कौन अजय अच्छा आप दोनों ने धूम मचाया है ना कितना रन बनाया अजय आपने मैं 74 नॉट आउट 74 नॉट आउट अजय आप कहाँ से हैं अजय रेड्डी मैं आंध्र प्रदेश 10 राज्य के लोग हैं ना इस टीम में कमाल है पूरा हिंदुस्तान है अभी बाकी दो और जिले हैं राज्य हैं फिर भी हाँ अजय हम लोग ऐसा कुछ नहीं B1 B2 बोल के ऐसा कुछ नहीं बोला था क्योंकि नाम से बोला था क्योंकि हमारा सीनियर प्लेयर है वो लोग भी हम लोग भैया बोल के कुछ हमारा टीम में अच्छा रिलेशन अच्छा डिसिप्लिन था हम लोग फुल रिलेशन मेंटेन करते हैं क्योंकि टीम एक साथ रहना तो फैमिली तरफ रहना मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया थोड़ा अपने दर्शकों के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि वो गेंदबाज या पाकिस्तान की टीम कितनी मुश्किल थी एक्चुअली पाकिस्तान 12 इयर्स चैंपियन था हाँ नॉन स्टॉप चैंपियन था लोग वो लोगों को 2012 में T20 में हम लोग हरा के हम लोग T20 चैंपियन बन गया एक बार और हरा चुके हैं पाकिस्तान T20 में इंडिया में बैंगलोर में हुआ था 2012 में हम लोग फाइनल में पाकिस्तान का रहा हम लोग चैंपियन बन गया अभी ओडीआई चैंपियन का टारगेट था हमारा क्योंकि ओडीआई में टी20 में दोनों में इंडिया टॉप रहना अभी ए बार हम लोग वो टारगेट रीच हो गया बिकॉज ऑफ आवर कोच
तो आप अभी कुछ धोनी की टीम जैसे मालूम पड़ते हैं, पहले T20 जीतो फिर मेन वाला जीत लो, नहीं? कुछ धोनी ने तो कुछ नहीं सिखाया ना आप लोगों को? हाँ, धोनी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हर प्लेयर के पास प्लेयर मतलब उसका गेम रहता, गेम को दिखाने के लिए एक टाइम रहता, वो टाइम हम लोग को मिला, हम लोग दिखाया, जीत गया। पर जब कोच ने आपको, आपकी भी रैंकिंग चेंज कर दी बैटिंग की, अभी पूरा गेम प्लान था, क्योंकि हम लोग मेंटली प्रिपेयर होने के लिए, टॉपर लगाने के लिए, प्रकाश को बचाने के लिए आपको फंसा रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं लगा ना? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग ही पहले बोल देता, क्योंकि आपका प्लान आप बोल दो सर, हम लोग मेंटल प्रिपेयर हो जाता, क्योंकि हम लोग सोचता ओपनिंग जाने के लिए, एक एग्जांपल बोल रहे, सेकंड राउंड भेज दिए, थोड़ा मेंटल प्रिपरेशन होता था, इसलिए कोच सर हम लोग बोलते आप लोग थोड़ा मेंटल प्रिपेयर हो जाओ बोल के हम लोग को साइकोलॉजिकली फुल तैयार कर देते हैं। मतलब बैटिंग जाने टाइम पर हम लोग के ऊपर कुछ भी नहीं रहता दिमाग में, फुल फ्री। पर आप लोग कैसे खेल लेते हैं? देखिए तेंदुलकर वगैरह खेलते हैं तो लाखों लोग उनके पीछे चिल्ला रहे होते हैं, दौड़ो दौड़ो सचिन सचिन, वही ना, इस आवाज के बिना कैसे वो जज्बा बना के रख पाते हैं? हमारा को मैक्सिमम कंसंट्रेशन ज्यादा करना पड़ता आवाज को ऊपर, कंसंट्रेशन फोकस ओनली, हमारा को फोकस ओनली बॉल को ऊपर रहता, वही था। सुनते हैं गेंद के हर टप्पे को कि इसका अंदाजा सही है या नहीं है, है ना? सुनते हम लोग सुनते ही। पर कुछ अब मैं जानना चाहता हूँ कि इन सारे खिलाड़ियों की जो एक स्टाइल या काबिलियत की जो बात होती है, जैसे हम और सामान्य बाकी खिलाड़ियों का जो मेन टीम है, मेन आप लोग भी हैं, लेकिन अब वो कहा रहा है मेन टीम है, तो उन सब के एक अपनी क्षमता है कि ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये जब आप टीम बनाते हैं तो इस टीम में आना, इन सब का आना, मतलब कितना टफ है, कितने लोगों को बीट करके ये लोग आपकी टीम में शामिल होने के लायक बने हों? बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि हमारा कैटेगरीज होता है B1, B2, B3, सो उनका चॉइसेस तो B1 तो 4 होना ही होना है, सो दे हैव टू, दे वे 4 प्लेसेस, एंड B2, B3 को जो बाकी बचा हुआ है उसमें हमको शामिल करना है। और आपके बैटिंग स्टाइल भी बात कर रहे थे, बिल्कुल हमारा B1, हमारा ब्लाइंड क्रिकेट में बैटिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिडोमिनेटली उन लोगों का स्वीप ज़्यादा होता है, उनके बेंड करके खेलते हैं, ओके, साउंड में बेंड करके, सो इफ यू टेक 100 प्लेयर्स में 95 प्लेयर्स जो है वो स्वीप ही खेलते हैं, बाकी कम लोग है स्ट्रेट खेलते हैं, क्योंकि बाउंस बॉल ज़्यादा बाउंस नहीं होगा, धीरे धीरे फास्ट आएगा, सो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन बैट्समैन जो स्वीप खेलेगा ज़्यादा, कौन बैट्समैन स्ट्रेट खेलेगा, और बहुत सारी प्लेयर्स है लाइक प्रकाश है, अजय है ना, वो लोग बहुत, वेंकटेश भी है, बहुत बढ़िया प्लेयर्स है वो सब, वो क्या कर सकते हैं, सभी मिक्स कर सकते हैं उन लोग, ओके, दे कैन प्ले, सो एक प्लेयर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ए स्वीप प्लेयर बोल तो लेफ्ट में दो फील्ड रखा तो कितना ओवर वो खेलेगा तो भी कम रन बनेगा, क्योंकि उसका स्टाइल ही स्वीप है। यदि स्ट्रेट बैट्समैन है तो वो क्या करते हैं, दो स्ट्रेट फील्डर लगेंगे तो बाकी 10 का जो ही जरूरत नहीं है, दो ही लोग फील्ड कर सकते हैं, उसको पूरा कवर कर सकते हैं। इसलिए हमारा वैरायटीज ऑफ प्लेयर्स चाहिए, इसलिए हमारा बैटिंग खेलने वाला हो, जो स्ट्रेट खेलने वाला हो, स्वीप करने वाला हो, महेंद्र अमरनाथ वाला हुक करने वाला अब नहीं चलता है। नहीं, वो भी है ना, नहीं हमारा में भी, हमारा जैसे कि गणेश मुंडगर है, उसका स्पेशलिटी है बॉल को चिप करना, मतलब वो जो आ जाता है वो चिप करता है, बॉल बाउंड्री के ऊपर जाता है, पाकिस्तान का वेरी फेवरेट स्ट्रोक है वो, दे हिट सिक्सेस बाय यूजिंग दिस चिप शॉट्स, एंड सो वी हैव टू प्लान, I mean, in a normal cricket, coach job would be just to be outside and just tell what is happening. Computer pe purana record nikal ke. But in a blind cricket, coach is a non-playing captain. Not only he decides the team, he is also decides the. एक coach के तौर पे जब match चल रहा होता है तब भी आप decide कर सकते हैं. Yes, yes. I can be with the crowd. I can be in the ground outside. मैदान outside. I can send messages. I can direct them. I can change the batting order. ये सारे coach कर सकते हैं. सारे coach. Not only India coach, सारे coach कर सकते हैं.